हेलो बच्चों, हम लोग थ्री क्लास को हिंदी पढ़ा रहे थे। चैप्टर टू पढ़ाते पढ़ाते बीच में जो है क्या हुआ, वीडियो कट गया था आगे का। तो क्या हुआ था कि ईशु जो है अपने मम्मी के साथ बाजार जाती है, और बाजार जाने के बाद जो है ईशु ने ईशु देखे, ये चैप्टर है पेज नंबर आपका 8 और 9 हिंदी का, ठीक है। ईशु ने अपने मम्मी से कहा तो बस सोचने लगी, शायद नीले फ्राक वाली गुड़िया इसकी सहेली थी, हमें तीनों खिलौने लेने चाहिए थे, तब ज्यादा खुश होती। ईशु मम्मी के साथ फिर खिलौने वाले के पास गई, लेकिन नीले फ्राक वाले गुड़िया तो कोई और ले गया था, बचा था सिर्फ उड़न खटोला। ईशु की मम्मी उड़न खटोला खरीद कर वापस घर आ गई। ईशु ने घर आकर खुशी खुशी वह उड़न खटोला गुड़िया के पास रख दिया। फिर गुड़िया से मीठी मीठी बातें करती करती ना जाने कब सो गई ईशु। लेकिन जब सुबह जब ईशु उठी तो वह हैरान रह गई, उसके खिलौने की अलमारी में अब गुड़िया न थी और ना ही उड़न खटोला था। ईशु दौड़ी दौड़ी मम्मी के पास आती है, मम्मी मम्मी गुड़िया तो चली गई, साथ में उड़न खटोला भी ले गई। अभी बस सोच ही रही थी कि तभी गुड़िया खिलखिलाहट सुनाई दी। वही उड़न खटोला के नीचे उतरा, एक उड़न खटोला नीचे उतरा, उसमें गुड़िया थी और उसकी सहेली मीना थी जो बाजार से नहीं खरीदा गया था। आखिर कहाँ चली गई ईशु की इतनी सुंदर गुड़िया, कहीं उसी उड़न खटोला पर बैठकर तो ना। गुड़िया ने अपनी सहेली मीना से ईशु और उसकी मम्मी को मिलवाया, फिर हंसकर कहा कुछ देर बाद मीना सबसे हंसकर कहा मैं उड़न खटोले पर बैठकर अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। कुछ देर बाद मीना सबसे विदा ली और उड़न खटोला उसे वापस छोड़कर आ गया। अब गुड़िया खुश थी। तो शिक्षा बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे मित्र के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है, यानी कि आप किसी मित्र को अलग कर दोगे तो वो उदास दिखेगा।